हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय होमोजीनियस मेथड। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एग्जिट इक्वेशन की हेल्प से अपन ने टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। संपूर्ण अवकल जो समीकरण है उसको अपन ने एग्जिट जो इक्वेशन होती है उसकी हेल्प से अपन ने सॉल्व करना सीखा था, और कौन से मेथड से, इंस्पेक्शन मेथड से अपन ने उसको सॉल्व किया था। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे बाय होमोजीनियस मेथड से। अपन इसको सरल करना किससे सीखेंगे, होमोजीनियस मेथड से इसको सरल करना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले तो जो भी इक्वेशन गिवन होती है उस इक्वेशन के लिए आपको क्या प्रूफ करना रहता है कि इक्वेशन जो है उसमें समाकलनीयता की जांच जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आपको इक्वेशन के अंदर समाकलनीयता की जांच करती है। समाकलनीयता की जांच करना, मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो था उसमें शुरुआत में जब अपन ने टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा था तब अपन ने डिस्कस किया था कि समाकलनीयता की जाँच अपन किसी भी इक्वेशन के लिए किस तरह से करते हैं, जो फॉर्मूला अपन ने यूज़ किया था उसकी हेल्प से करना है। ठीक है, अब देखो होमोजीनियस मेथड है तो होमोजीनियस मेथड को सरल करने के लिए अपने को अक्ष को किससे रिप्लेस करना है, U Z से रिप्लेस करना है, और Y जो है उसको रिप्लेस करना है V Z से। इन दोनों को आप रिप्लेस करके फिर इनके आंसर जो है वो अपन फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। अब देखिए किस तरह से अपन इसके रिप्लेस करेंगे और किस तरह से इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो जब अपन X को रिप्लेस करेंगे तो DX जो है वो मेरा किससे रिप्लेस हो जाएगा, U और Z है ना, तो जो DX होगा उसको अपन रिप्लेस कर देंगे किससे, U DZ प्लस Z DU। ठीक है, और DY जो होगा उसको रिप्लेस कर देंगे V DZ प्लस Z V DV। ठीक है, इससे अपन इनको क्या कर देंगे, रिप्लेस करके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए अपन एग्जांपल से समझते हैं इसको किस तरह से अपन इसको रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी एग्जांपल आपको गिवन हो उसमें आपको समाकलनीयता की जांच करनी रहती है और फिर आपको उसके अंदर क्या करना होता है, रिप्लेसमेंट करना होता है। तो इक्वेशन अपनी गिवन है वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड डी एक्स प्लस दूसरा है एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, और थर्ड जो है उसमें है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी जेड इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू अपने को इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है और इसको अपने को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो जो अपने समाकलनीयता की जांच है तो वो अपन यहाँ पर लिख लेंगे कि यहाँ पर जो समाकलनीयता की शर्त को ये क्या करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, तो इसको तो अपन सीधा ही लिख लेंगे दी गई समीकरण समाकलनीयता की शर्त को संतुष्ट करती है। पहला तो ये हो गया संतुष्ट करती है, तो संतुष्ट करती है। फिर अपन इसमें क्या करेंगे, अपने रिप्लेस करेंगे। अब देखिए रिप्लेस अपन ने क्या क्या देखा था, ये दोनों चीज़ें जो है उनको रिप्लेस करेंगे। तो जहाँ जहाँ आपको वैल्यू दिख रही है वहाँ वहाँ आप कर दो। तो यहाँ पे करते हैं तो बनेगा वी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर डी एक्स हो गया प्लस यहाँ पर एक्स की पुट करेंगे तो यू जेड स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर जेड स्क्वायर डी वाई बन गया प्लस यहाँ पे पुट करेंगे तो वी स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई तो यू वी जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब इसको अपन सरल कर लेते हैं, जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं और आंसर को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा डी एक्स और डी वी इनको भी अपने को क्या करना है, रिप्लेस करना है डी एक्स और डी वाई को। तो देखिए डी एक्स और डी वाई को भी रिप्लेस करते हैं अपन ने, तो यहाँ पे इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो जेड स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया वी स्क्वायर प्लस
v, ठीक है, और dx की वैल्यू रख दी u dz प्लस z du प्लस, इसकी जो दूसरी वाली वैल्यू इसमें भी z स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो u प्लस u स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी v dz प्लस z dv, ठीक है, और प्लस में यहाँ z स्क्वायर कॉमन आया तो बना v स्क्वायर माइनस u v, है ना, और dz का यहाँ पर क्या रहेगा, dz ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इन वैल्यूज को अपन सरल कर लेते हैं, du के रेस्पेक्ट में अपन एक जगह कर लेते हैं, dv का रेस्पेक्ट का अपन अलग कर लेते हैं, और फिर इनको सरल करते हैं। तो अपने पास जो समीकरण बचेगी वो किस तरह से बचेगी, देखिए सरल करने के बाद समीकरण रहेगी z v स्क्वायर प्लस v डी यू, ठीक है, एक तो ये रहेगा। दूसरी चीज रहेगी अपने पास z u प्लस वन, ये रहेगा dv के, ठीक है, और थर्ड जो है वो रहेगा, थर्ड इसमें है वन प्लस यू वी स्क्वायर प्लस वी, और यहाँ पर डी जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये अपनी जो है अपने रिप्लेस करने के बाद इक्वेशन जो है वो इस तरह से बदल गई। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन में वैल्यू को जो है उनको क्या कर लेंगे, जैसे यहाँ पर ये u और v के जो फंक्शन है वो एक एक जगह कर लेंगे, और जो दूसरी वैल्यूज है उनको, यानी अपन कह सकते हैं इन शॉर्ट है कि चरों का अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे पृथक्करण कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपने को z कॉमन दिख रहा है तो z को z वाले पे पार्ट में भेज देते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं, तो वी स्क्वायर प्लस वी डी यू प्लस यू प्लस वन डी वी, ठीक है, बटा जो वैल्यू है वो आएगी वन प्लस यू वी स्क्वायर प्लस वी, ये हो गया है, ठीक है, और इक्वल में जो वैल्यू है उसको अपन ने यहाँ पर डिनोट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू बची है उसको थोड़ा सरल कर लेते हैं यहाँ पे, और इधर बच जाएगा डी जेड बटा जेड। अब देखिए यहाँ पर ये जो है वो नीचे वाली वैल्यू का पूरा क्या नहीं बन रहा है, स्क्वायर की फॉर्म में अपने पास में नहीं आ रहा है, मतलब अगर अपन इस वैल्यू को टी माने तो अपने पास ये वाला पार्ट तो आ रहा है लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर डिफाइन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर टू वी प्लस टू वी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और जोड़ेंगे, टू वी प्लस वन को जोड़ेंगे और यहाँ पर घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है जब 2v प्लस 1 को ऐड करेंगे और घटाएंगे तो अपने पास देखिए v स्क्वायर ये du ही रहेगा प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2v प्लस 1 और u प्लस 1 dv, ये तो प्लस वाला जो वैल्यू था वो अपना यहाँ पर आ गया 1 प्लस u v स्क्वायर प्लस v। अब जो ये दूसरा वाला पार्ट होगा u प्लस वन के साथ है और उसके साथ टू वी प्लस वन के साथ, तो ये वाली वैल्यू जो है वो अपनी सरल होकर क्या बन जाएगी, माइनस में जो है वो डिफाइन है टू वी यू प्लस वन बटा बटे में यही वैल्यू रहेगी अपने टू वी प्लस वन है, और ये जो वैल्यू है वो डिफाइन इजीली हो जाएगी, ठीक है, 2v यहाँ पर 2v नहीं लेके 2v प्लस 1 लिखा जाएगा और v स्क्वायर प्लस है 1 लिखा जाएगा, u प्लस है 1 लिखा जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या है u प्लस 1 है और v स्क्वायर प्लस है v, इससे तो ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा dv और प्लस में dz बाई dz जो है वो चली रहा है। अब देखो इक्वेशन जो है वो अपनी एक पूरे समाकलन के अंदर जो है वो यहाँ पर चेंज हो गई है, तो अब अपन इसका इजीली जो है वो समाकलन को फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए किस तरह से
अपन यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यूज को देखते हैं अंशों को, तो ये वाली जो वैल्यू नीचे आपको दिख रही है उसका जो इंटीग्रेशन है वो ये ऊपर वाली पूरी संख्या यहाँ पर बन गई। तो मैं इसको क्या मान लेती हूँ, टी मान लेती हूँ। तो जो इसका फंक्शन होगा जब इसका समाकलन करेंगे तो अपने क्या आएगा, लॉग टी आएगा, यानी लॉग में जो नीचे वाली वैल्यू है वो डिफाइन होगी, ऊपर वाली वैल्यू पूरी हट जाएगी अपनी। तो मैं यहाँ पर जो डिफाइन करूँगी तो ये हमारे आ जाएगा लॉग वन प्लस यू और वी स्क्वायर प्लस वी, एक तो ये हो गया। और दूसरा जो है इसका करेंगे तो क्या आएगा, लॉग वी स्क्वायर प्लस वी आएगा। तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा लॉग वी स्क्वायर प्लस वी हो गया, ठीक है। और इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग प्लस का लॉग जेड और बराबर में हो जाएगा लॉग सी। अब लॉग को एक साथ कर लेते हैं और इनको एडिशन करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू बन गई अपनी लॉग के साथ में, ये वाली वैल्यू दोनों प्लस में हैं तो ये तो प्लस में रहेगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी कहने का मतलब। और ये वाली वैल्यू जो है वो डिवाइड में है तो अपन इसको डिवाइड में ले आएंगे। माइनस में है तो माइनस में जब लॉग होता है तो क्या हो जाता है अपना, डिवाइड यहाँ पर डिफाइन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू आई थी उसमें से देखिए 2v था तो अपने यहाँ पर इसको सरल किया, v इसमें से कॉमन निकला तो v प्लस वन, तो v प्लस वन का होल स्क्वायर जब अपन ने किया तो अपने पास क्या आया, ये जो वैल्यू है ये इस तरह से, सॉरी यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगी, v प्लस वन के होल स्क्वायर के रूप में ये जो चीज़ है वो अपने पास डिफाइन होगी, ठीक है ना। माइनस का ये वैल्यू यहाँ पर इस तरह से डिफाइन होगी। अब देखिए यहाँ हो गया, अब देखिए इसकी जो अपन सरल करते हैं अपन, तो v प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ से v अपना कॉमन आए, इधर अपना क्या चल रहा है log c चल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब वैल्यू को सरल करेंगे इसमें से v कॉमन निकालेंगे पहले तो ऊपर वाले में से, तो इसमें से v कॉमन निकाल दो, v प्लस वन हटा तो यहाँ पर जो वैल्यू है log तो हटेगा, log हट जाएगा उसके साथ ही ये वैल्यूज यहाँ पर हटेगी। तो देखिए किस तरह से बनेगी, लॉग हटा दिया तो ये बन गया जेड वन प्लस यू, वी स्क्वायर को अपन ने वी स्क्वायर में से वी कॉमन निकाले तो वी वी प्लस वन हो गया और नीचे है वी प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये एक से क्या हो जाएगा, एक कैंसिल, बराबर में क्या चल रहा है अपना सी यहाँ पर डिफाइन है। अब जो u और v की वैल्यूज़ है उनको वापस अपन यहाँ पर पुट करेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो अपन ने क्या पुट किया था, x बराबर में u z पुट किया था, ठीक है। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बटा z आ जाएगी और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बटा z आ जाएगी। बस ये जो वैल्यूज़ है इनको यहाँ पुट कर दीजिए। तो जब अपन ने पुट किया तो यहाँ पर रहा z वन प्लस एक्स बटा जेड, ठीक है, और यहाँ पर रहा वाई बटा जेड, ठीक है, और बटे में क्या रहा वाई बटे जेड प्लस है वन, बराबर में क्या चल रहा सी। तो ये जेड इस जेड से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इनको सरल कर लेते हैं तो देखिए सरल करने पर अपनी इक्वेशन क्या डिफाइन हो जाएगी, यहाँ पर जो वैल्यू है वो डिफाइन हो जाएगी। क्या इसको करे किया तो हो ये हो गया x प्लस जेड का x प्लस जेड बटा जेड, और इसको जब किया और y इसके साथ में चली रहा है और यहाँ हो गया y प्लस जेड बटा जेड। अभी जेड से जेड तो कैंसिल हो गया, बराबर में c चल रहा, तो आंसर अपना क्या बन जाएगा, y x प्लस जेड बटा y प्लस जेड बराबर में c। ये जो होगा ये अपना इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की फॉर्म में यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन ने कोई भी जो होमोजीनियस इक्वेशंस होती है, होमोजीनियस मेथड से अपन ने कोई भी जो इक्वेशन है उसके टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस मेथड से निकाला है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।